बात करते हैं आज के समय में विश्व के सामने सबसे बड़ी समस्या बन जाग खड़ी हुई है, रूबेला नाम की बीमारी। यह बीमारी यूं तो संक्रामक है और भारत सहित विश्व के अनेकों देशों में लगातार फैल रही है। इस बीमारी से ग्रसित देश हैं पूर्वी तिमोर, मेसोडोनिया, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान आदि। इस खतरनाक बीमारी ने भारत की तरफ भी रुख कर लिया है, जिसको देखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन काफी संजीदगी से इसके निवारण हेतु अनेकों प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में मुंगेली जिला में भी 3000 से 4000 रूबेला बीमारी से ग्रसित बच्चों को रूबेला टीका लगाने के लिए मुंगेली के स्वास्थ्य विभाग द्वारा शिविरों का आयोजन किया जाएगा, जिसके तहत मुंगेली के स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को 9 माह से लेकर 15 वर्ष तक के बच्चों को स्कूल स्कूल व गांव-गांव में जाकर महिला स्व सहायता समूह व स्वास्थ्य विभाग के द्वारा टीका लगाया जाएगा। इस बीमारी की पहचान त्वचा पर 50 से 80% हिस्सों पर चकते आना है, जो 2 से 3 दिनों तक लगातार बनी रहती है और लगातार यह बीमारी ऊपर से लेकर शरीर के निचले हिस्से तक प्रसारित होती है, जिसको लेकर मुंगेली स्वास्थ्य विभाग काफी संजीदगी से प्रयासरत है। मुंगेली से अविनाश कुलमित्र की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। छत्तीसगढ़ का अहम कार्यक्रम जो एमआर कैंपेन मीजल्स रूबेला टीकाकरण का कार्यक्रम का इनॉग्रेशन किया जा रहा है, जो पहली बार छत्तीसगढ़ में हो रहा है, उसी प्रकार जो है टीबी की बीमारी को और लेप्रोसी की बीमारी को जो है 2025 तक उसका समूल नाश करने का भारत सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया है। उसके तहत जो है हमारे ये भी कैंपेन जो है 3 अक्टूबर से ले कर जो है द्वार द्वार हमारे मितानिन बने हमारे कार्यकर्ता लोग जाएंगे और टीबी, मलेरिया, लेप्रोसी इन सब का सर्वे करेंगे और उनका जो है सर्वे में आने के बाद जो उसका समूल उपचार कार्यक्रम जो है इस बीमारी से निजात दिलाएंगे।